स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उनको कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया है। तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में, या फिर मैं बोल दूँ पोजिशन ऑफ सिग्नल के बारे में। तो चलिए जानते हैं केमिकल शिफ्ट क्या होता है। जो केमिकल शिफ्ट है वो द शिफ्ट अराइजिंग फ्रॉम सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग बाई इलेक्ट्रॉन्स नोन एज केमिकल शिफ्ट, या फिर मैं कह दूँ कि पोजिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम रेफरेंस, यहाँ पे जो रेफरेंस है उससे जो प्रोटॉन है उसकी पोजिशन क्या होगी, वो ही केमिकल शिफ्ट कहलाता है। और ये जो केमिकल शिफ्ट है वो सिल्डिंग और डिसिल्डिंग इफेक्ट के थ्रू ही समझ में आता है। तो जो यहाँ पे TMS है उसके लिए हम टेट्रामेथिल सिलेन को काम में लेते हैं। TMS NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कॉमनली हम टेट्रामेथिसिलेन है उसको रेफरेंस के रूप में काम में लेते हैं। और इससे हमें पता चलता है पोजिशन ऑफ सिग्नल से हमें पता चलता है कि जो कोई प्रोटॉन है किसी स्पीशीज के अंदर वो एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, एल्कोहलिक है, या फिर अदर कोई सा टाइप है। तो इस NMR स्पेक्ट्रम के अंदर हम टेट्रामेथिसिलेन को ही इंटरनल स्टैंडर्ड या रेफरेंस कंपाउंड के रूप में क्यों लेते हैं वो जानते हैं पहले। तो इसके कुछ सेवरल एडवांटेजेस हैं, तो TMS को ही हम क्यों काम में लेते हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये जो TMS है वो हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है। और ये जो कंपाउंड हम काम जिसके कंपाउंड के साथ TMS यूज में ले रहे हैं उससे इजीली रिमूव हो जाता है, इजिली रिमूव हो जाता है। साथ में जो TMS की स्ट्रक्चर मैंने अभी बताई उसके अंदर 12 प्रोटॉन होते हैं, वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं, यानी मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक होते हैं। जो 12 प्रोटॉन होते हैं वो मैग्नेटिकली आइसोट्रोपिक होते हैं। साथ में ये जो TMS होता है वो चीप होता है, आसानी से इसको खरीद सकते हैं हम, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है TMS का वो भी बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग होता है इसका 300 केल्विन के बराबर। और ये जो इसके अंदर NMR स्पेक्ट्रम के अंदर जो TMS है वो एक केवल और केवल एक पीक देता है, वो भी साफ पीक देता है। इसलिए TMS को ही NMR स्पेक्ट्रम के अंदर मोस्टली हम यूज में लेते हैं। अब जो TMS है उसके लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें जो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होता है उसके लिए दो स्केल काम में लिए जाते हैं। जो पहला स्केल है अपने पास वो है डेल्टा स्केल। यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट होता है वो केवल फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होता है, यानी कि कौन सा प्रोटॉन किस फ्रिक्वेंसी पे अब्जॉर्ब हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड कौन सी फ्रिक्वेंसी पे अब्जॉर्ब कर रहा है, उसी के आधार पे हम वैल्यू निकालते हैं केमिकल शिफ्ट की। तो यहाँ से जो पहला स्केल है मेरे पास वो है डेल्टा स्केल। तो डेल्टा स्केल हम मेजर करने के लिए रेफरेंस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी एस माइनस आर बटा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो एम सी पी एस के अंदर होनी चाहिए, इंटू 10^6 ppm। जो केमिकल शिफ्ट है उसकी यूनिट ppm होती है। यहाँ से vs जो एक सैंपल की फ्रिक्वेंसी में सबस्टेट करवाएंगे, यहाँ पे r रेफरेंस, तो रेफरेंस के रूप में हम क्या काम में ले लेते हैं TMS, यानी TMS की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी अगर हम सैंपल में से सबस्टेट कर दें तो मेरे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से डेल v। तो ये जो है फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, यानी दोनों का जो बीच का अंतर है, यहाँ से ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी होनी किस में चाहिए एम सी पी एस के अंदर 10^6 ppm। तो इस प्रकार से हम डेल्टा स्केल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो यहाँ से डेल वी है वो फ्रिक्वेंसी
शिफ्ट होगा, तो यहाँ से जो डेल वी है वो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होगा और जो डेल्टा है वो केमिकली शिफ्ट होगा। ये तो होगी डेल्टा स्केल की बात। अब मैं बात करूँ दूसरे जो मेरा टाइप है उसकी, जो दूसरा टाइप है वो है टोई स्केल। तो टोई स्केल की वैल्यू हम किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं जानते हैं। टोई स्केल भी फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है केमिकल शिफ्ट के अंदर। तो टोई स्केल प्लस टू क्या होगा, टे माइनस डेल्टा। अगर हमारे पास डेल्टा स्केल की वैल्यू है तो हम टो की वैल्यू इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। करना क्या होगा, टेन में से डेल्टा की वैल्यू घटा देंगे तो अपने पास टो की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास एक पैरामीटर है, जैसे यहां से ये मेरे पास टीएमएस जो रेफरेंस टेट्रामेथिसिलिन है वो रेफरेंस है। यहाँ पे याद रखिए जो टीएमएस है उस पे डेल्टा स्केल की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। अब जब हम इस साइड में बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे यहाँ से एक हो दो, एक हो गया दो तीन चार ये पाँच छ सात आठ नौ दस। और यहाँ पे जो डेल्टा स्केल है ये डेल्टा स्केल की वैल्यू है जीरो। और जो डेल्टा स्केल है यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा टो है वो डेल्टा स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जहाँ पे डेल्टा स्केल की वैल्यू ज़्यादा आएगी वहाँ पे टो स्केल की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि हमें टेन में से सबस्ट्रेट करना है। तो जैसे अगर डेल्टा स्केल की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, तो इसमें जब मैं पुट करता हूँ तो टो इक्वल्स टू टेन माइनस जीरो तो दस आएगी, यानी कि यहाँ पे टो स्केल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। यहाँ पे दस इस साइड में धीरे धीरे कम होता जाएगा और यहाँ पे जीरो, यानी कि रेफरेंस पीक पे डेल्टा की वैल्यू जीरो और टो की वैल्यू टेन मैक्सिमम आएगी। तो इस साइड में जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जीरो होती है वहां से इस साइड में जो प्रोटोन होंगे वो डिसीडिंग इफेक्ट शो करेंगे, और जहां पे टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस साइड में अपशील्डिंग अपशील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। यानी कि जहां पे डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे जो प्रोटॉन होगा वो डिसीडेड प्रोटॉन होगा, और जहां पे टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हाईली शील्डेड होगा। इस प्रकार से जो हमारे पास दो स्केल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोटॉन की वैल्यू निकाल पाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जो टो स्केल है और डेल्टा स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं केमिकल शिफ्ट के अंदर, उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, चलिए जानते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक एग्जाम्पल है, द मेथिल प्रोटोन ऑफ डीएमएस और डाइमेथिल सल्फोक्साइड अब्सॉर्ब 244 हर्ट्ज मोर फ्रीक्वेंसी व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट एट 100 मेगाहर्ट्ज कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ सिग्नल ऑफ मेथिल प्रोटोन एट बोथ स्केल। तो यहाँ से जो मेथिल प्रोटोन है उसके दो केमिकल शिफ्ट ज्ञात करनी है, वो भी दोनों स्केल पे। तो मेरे पास सबसे पहले डेल्टा स्केल था, अब डेल्टा स्केल इक्वल्स टू अपने पास क्या आया था, डेल वी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बटा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंटू 10^6। तो यहाँ से डेल वी, तो मेरे पास यहाँ से डेल वी क्या होगी, मोर फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दोनों का अंतर है, तो यहाँ से 244। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देखनी है तो यहाँ से ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी शो दे रखी है, अब ये मेगा हर्ट्ज में है, सो इसको एमसीपीएस में चेंज करने के लिए 10^6 से मल्टीप्लाई और ये 10^6, तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई। इसमें जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2.44 यहाँ से डेल्टा स्केल की वैल्यू निकल के आती है। ये तो बात होगी डेल्टा स्केल की मेथिल प्रोटोन के लिए। अब देखते हैं टो स्केल की वैल्यू, तो यहाँ से टो स्केल इक्वल्स टू क्या होता है, टेन माइनस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू अपने पास आ गई 2.44, तो इसको 10 में से सबस्ट्रेट करेंगे तो 7.56 ये वाली टो स्केल की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आप किसी भी प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट में जो पोजीशन है उसकी वैल्यू डेल्टा स्केल और टो स्केल पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मेरे पास कुछ वैल्यू है
जो कंपाउंड्स होते हैं अपने पास, एल्कोहलिक कीटोनिक या फिर एल्केन के अंदर, एल्काइन के अंदर, एसिटेलिन के अंदर या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, तो वो किस किस पोजीशन पे टो वैल्यूज थी और जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या क्या होगी, तो देखते हैं। तो यहाँ से टाइप्स ऑफ प्रोटोन और डेल वैल्यू, तो TMS में जो 12 प्रोटोन होते हैं उनकी वैल्यू मैंने बताई थी कि डेल वैल्यू तो 0 होगी। अपने पास अगर डेल वैल्यू है किसी की भी तो टो वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि टे माइनस डेल्टा होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 10। तो इस प्रकार से टो वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। मेरे पास फिर एल्केन है, मेथेन, तो इसमें जो चार जो प्रोटोन है वो केमिकल शिप में डेल वैल्यू 0.4 से 0.7 के बीच में शो करेंगे। और मैंने बताया कि जो केमिकल शिफ्ट है उसकी यूनिट जो होती है वो PPM के अंदर होती है, पार्ट्स पर मिलियन। आगे मेरे पास है इथेन, तो इसके अंदर जो चार प्रोटोन है वो केमिकल शिफ्ट के अंदर 4.1 से 6.5 के अंदर केमिकल शिफ्ट शो करेंगे। उसके बाद में ये एसिटिलिनिक प्रोटोन है मेरे पास, ये 2.0 से 3.0 के बीच डेल वैल्यू शो करेगा। टो वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, 10 में से इसको सबस्ट्रेट करेंगे तो अपने पास टो वैल्यू भी निकल के आएगी। यहाँ पे मेरे पास एल्कोहलिक प्रोटोन है, तो वो 1.0 से 1.0 से 5.0 के बीच में डेल वैल्यू शो करेगा। यहाँ से मेरे पास अब फिनोलिक प्रोटोन है, सॉरी ये बेंजीन वाले जो प्रोटोन है, तो ये प्रोटोन 6.0 से 8.0 के बीच में डेल वैल्यू शो करेंगी। यहाँ से मेरे पास थायोफिन है, इस पे जो प्रोटोन है वो 7 से 7.5 के बीच में डेल वैल्यू शो करेंगे। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हैं बुक्स के अंदर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे तो आप वहां से याद कर लीजिएगा। सो इस वीडियो के अंदर हमने देखा है तो केमिकल शिफ्ट होता है वो होता क्या है, हमें सिर्फ रेफरेंस जो TMS है, NMR स्पेक्ट्रम के अंदर हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस है उसके रूप में केवल TMS को यूज में लेते हैं, तो उससे केवल और केवल हमें प्रोटोन की स्थिति को ही देखना है, उसे ही हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं। और ये केमिकल शिफ्ट फ्रीक्वेंसी है और कुछ भी नहीं है।